हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ सुमित गए वेद मित्तल सर का स्वागत करते हैं नॉलेज एनपीओ सीरीज में। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन एवरी टॉपिक। सर, आज का हमारा सवाल है हाउ टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ एनपीओ। किस बेसिस पर हम एनपीओ की इनकम डिटरमाइन करें और कितनी? जनरल क्या होता है, इनकम टैक्स में अलग अलग हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैपिटल गेन। लेकिन जब हम एनपीओ की कोई भी इनकम हम डिटरमाइन करते हैं तो वो हम करते हैं कॉमर्शियल सेंस। जैसे सपोज मेरी रेंटल इनकम है तो मैं उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट नहीं करूँगा, या मेरी कोई एफडीआर की इनकम है तो मैं उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट नहीं करूँगा। मेरी जो भी इनकम आ रही है मैं इनकम साइड में ले लूँगा। अगर मेरी रेंटल इनकम आ रही है तो बाई रेंटल ले लूँगा, इनकम अगर कोई डोनेशन आ रही है तो डोनेशन इनकम ले लूंगा। तो विदाउट हेड ऑफ इनकम ये हम एनपीओ की इनकम को विदाउट हेड ऑफ इनकम लेते हैं, वो भी ग्रॉस बेसिस पे। अगर जैसे एक एग्जांपल मेरा कोई रेंटल इनकम है तो मैं उसका सेक्शन 24 का डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा। मैं जो भी ग्रॉस इनकम आ रही है, जो भी मेरा ग्रॉस रेंट आ रहा है, वो मेरी इनकम मानी जाएगी। एक तो ये पैरामीटर होता है कि जो भी हम इनकम डिटरमाइन करते हैं वो कॉमर्शियल बेसिस पर करते हैं विदाउट हेड ऑफ इनकम, पहली बार। दूसरे क्या होता है कि जो भी मेरी इनकम आती है उसका मुझे 85% तक खर्च करना होता है। यदि मेरा 85% तक खर्च नहीं हुआ तो रेमेनिंग के लिए मैं फॉर्म नंबर 10 फाइल कर दूंगा बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। अगर मैंने नहीं फाइल किया हुआ है तो मेरी बैलेंस जो इनकम सरप्लस बचेगा उस पर टैक्स अकॉर्डिंगली, टैक्स जो भी मेरा इनकम टैक्स के रेट है उसके हिसाब से मैं टैक्स दे दूंगा। तीसरा रहता है इसका स्टेटस। इसमें जो इनकम टैक्स की जो डिटर्मिनेशन की जाती है इसका स्टेटस होता है एओपी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमने जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे मेरे कोई ट्वेल्थ में रजिस्टर्ड है सोसाइटी तो उसका स्टेटस क्या होगा? अब उसका स्टेटस अभी तक क्या था, अभी तक मीन्स जो असेसमेंट ईयर 17-18-19 तक क्या था कि जो मैं अभी इनकम फाइल कर रहा हूँ उसका स्टेटस हम देखते हैं एओपी आता है, एक आता है एओपी ट्रस्ट। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग हमसे आगे पूछते हैं सर ये तो सोसाइटी, इसमें ट्रस्ट नाम कहाँ से आ गया? तो अभी तक क्या होता था, मैं बात कर रहा हूँ मार्च 18 तक, यदि कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट से मतलब रजिस्टर्ड एनपीओ है, उसका स्टेटस होता है एओपी ट्रस्ट। यदि हमने एओपी ट्रस्ट डाला है, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं एओपी ट्रस्ट डालते हैं, वो आईटीआर 7 को पिक कर लेता है। और यदि मेरा कोई अनरजिस्टर्ड है तो उसका स्टेटस होता है हमेशा एओपी। तो जब हम पिछली बार हमने देखा काफी लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिए थे जो अनरजिस्टर्ड है, उन्होंने एओपी ट्रस्ट फाइल कर दी, उनकी आईटीआर 7 फाइल हो गई। अब जब 7 फाइल हो गई तो उनका पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो गया, उनकी डिमांड आ गई। काफी लोगों की डिमांड आई है सबके, 139 में क्वेश्चन भी आए थे, कुछ लोगों ने साइट फाइल कर दिए। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर मेरा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड में जो ट्वेल्थ में रजिस्टर्ड है तो उसका स्टेटस होगा एओपी ट्रस्ट, और यदि अनरजिस्टर्ड तो उसका स्टेटस होगा एओपी। दोनों के रेट जो है इनकम टैक्स में वो सेम है, मींस बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट सबको मिलेगी। ये एक अच्छा अब इन्होंने इस साल के रिटर्न में क्या करते हैं, 19-20 के रिटर्न में जो पहली थी अब उन्होंने चेंज कर दिया है। अब उन्होंने दो हेड में बांट दिया है, एक हेड और एक सब हेड। तो इस साल की जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें कृपया देख लें कि उसमें उन्होंने ब्रेकअप कर दिया है कि आपकी ट्वेल्थ में रजिस्टर्ड है या नहीं है, या ट्रस्ट है, ये सोसाइटी है या कंपनीज है, ये ईच एंड एवरी कैटेगरी में सब हेड में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो जो पिछली प्रॉब्लम थी कंफ्यूजन तक है मेरा एओपी है या ओपी ट्रस्ट है, वो इस बार के रिटर्न में उन्होंने हेड और सब हेड करके वो डिस्क्रिपेंसी दूर कर दी है। सर, कॉर्पस के बारे में भी थोड़ा बताएं कि कॉर्पस कितना और किसे दे सकते हैं। कॉर्पस के बारे में क्या है कि पहले ये था कि पहले से मतलब मार्च 17 से पहले क्या था कि अगर मेरी करंट ईयर की इनकम से मैं किसी को कॉर्पस फंड दे सकता हूँ, और कॉर्पस क्योंकि मेरे लिए तो खर्चा हो गया, मेरे लिए मतलब सोसाइटी जो ट्वेल्थ में रजिस्टर्ड है उसके लिए तो खर्चा हो गया, और दूसरे जिस ट्रस्ट को दिया हुआ है कॉर्पस फंड दिया हुआ है उसके लिए वो कैपिटल रिसीव हो गई। अब इन्होंने क्या चेंज कर दिया कि करंट ईयर की इनकम से मैं कॉर्पस फंड नहीं दे सकता। अब फिर मैं क्या दे सकता हूँ, अब उसका सॉल्यूशन क्या है कि मैं करंट ईयर की इनकम से कॉर्पस डोनेशन नहीं दे सकता, लेकिन वॉलेंटरी डोनेशन दे सकता हूँ। यदि एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को अपने करंट ईयर की इनकम से वॉलेंटरी डोनेशन देता है तो वॉलेंटरी डोनेशन क्या होगा, वो मानी जाएगी रिवेन्यू रिसीव। जिस ट्रस्ट ने वो वॉलेंटरी डोनेशन रिसीव करा हुआ है
उसके लिए वो रेवेन्यू रिसीव मानी जाएगी, लेकिन कॉर्पस फंड जो होता है वो रेवेन्यू रिसीव नहीं होती, वो कैपिटल रिसीव होती है। तो बेसिकली क्या है कि करंट ईयर की इनकम से मैं कॉर्पस को डोनेशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं वॉलेंटरी डोनेशन दे सकता हूँ, और जो वॉलेंटरी डोनेशन मैं दे रहा हूँ वो दूसरे ट्रस्ट की इनकम में रेवेन्यू इनकम मानी जाएगी। ये बेसिकली कोई कंडीशन, कोई लिमिट, कोई अमाउंट नहीं, नहीं इसमें कहीं कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप करंट ईयर की इनकम से वॉलेंटरी डोनेशन दे सकते हैं एनी अमाउंट, एन अमाउंट सब्जेक्ट टू योर सरप्लस अवेलेबल। कोई इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन है कि हम सेम ऑब्जेक्टिव के ट्रस्ट को दे सकते हैं या किसी भी ट्रस्ट को हम डोनेशन दे सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करके बताता हूँ। दो तरह के बेसिकली इनकम टैक्स में तीन तरह के डोनेशन होते हैं, पहला होता है कॉर्पोरेट डोनेशन, दूसरा होता है वॉलेंट्री डोनेशन, तीसरा होता है एनोनिमस डोनेशन। बेसिकली क्या है, कॉर्पस डोनेशन जो होता है वो देने वाले के लिए तो कॉर्पस हो गया, लेकिन जो ट्रस्ट ले रहा है उसके लिए कैपिटल रिसीव हो गई। वॉलेंट्री डोनेशन क्या होता है, लेने वाले के लिए वो रेवेन्यू रिसीव हो गई। और एनोनिमस डोनेशन जो होता है जिसमें डोनर का नेम और एड्रेस आपके पास में अवेलेबल नहीं है, वो एनोनिमस डोनेशन हो गया। एनोनिमस डोनेशन के लिए इनकम टैक्स में 115 है, उसके अलग प्रोविजन है, जैसे अगर 5% ऑफ 1 लाख व्हिचएवर इज मोर वो है, और इसके लिए टैक्सेस है 30% जो हमने लिया हुआ है। अब क्या है कि यदि मैंने कोई वॉलेंट्री डोनेशन लिया हुआ तो वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीव हो जाएगी, और इसमें कोई नंबर की कहीं कोई लिमिट कुछ नहीं है। विद अवेलेबल ऑफ द मेरे पास में जो अवेलेबल फंड है, मेरे पास में जो रिसीव है उसके हिसाब से मैं दे सकता हूँ। हाँ, एक चीज जरूरी है, क्योंकि जब हम तजरीद या बायलॉज जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि ये जो फंड है मैं सेम एक्टिविटी सेम नेचर को ही दे सकता हूँ, अदर देन किसी को और को नहीं दे सकता। इस बात का ध्यान रखें, यदि हम किसी को वॉलेंटरी डोनेशन देते हैं तो नेचर ऑफ एक्टिविटी सिमिलर होनी चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी हमारे लिए एप्लीकेशन ऑफ फंड माना जाएगा सेक्शन 11 में। अदरवाइज नहीं तो इनकम टैक्स ऑफिसर उसको एडबैक कर सकता है, आपकी इनकम में जोड़ सकता है। थैंक यू सर। दोस्तों हमने समझा कि इनकम किस तरह से कंप्यूट करनी है और कॉर्पस फंड कहाँ और कितना डोनेट कर सकते हैं। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक्स टू वेद मित्तल जी, और थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस एनपीओ सीरीज। थैंक यू। थैंक यू।